और इधर आप देख रहे हैं टीन से बैरिकेड्स जो किया हुआ इलाका है वो पूरा, उसके अंदर वाराणसी में पहला टेंट सिटी विकसित किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 12 दिसंबर और सोमवार का दिन। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं जिस तरफ टेंट सिटी का निर्माण हो रहा है, घाट के उस पर बालू जहाँ टीला बना हुआ है देखेंगे, बिल्कुल रेतीला मैदान, आपको चारों तरफ से बालू बालू इस तरफ दिखाई देगा और इसी बालू पर टेंट सिटी को बसाया जा रहा है, जहाँ तीन प्रकार के टेंट पूर्णतः सुविधा युक्त बनेंगे और जिनके रेट अलग अलग होंगे। देख रहे हैं जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ से लेके पूरा आखिरी छोर तक गंगा के उस पार आपको जहाँ पर टेंट सिटी का निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पर पूरा लोहे का चद्दर बिछाकर प्लेट बिछा के सड़कें बनाई गई हैं जिस पर से गाड़ी यहाँ तक पूरा जहाँ पर टेंट सिटी बसने वाला है वहाँ तक आ जा रही हैं। ये देखेंगे तो लोहे की चद्दर बिछाकर इसी प्रकार गाड़ियाँ इसी पर चलती हैं बिना धंसे, और ये आगे देखेंगे तो इसी प्रकार ये आगे भी ऐसी इसी लोहे की प्लेट बिछाकर गाड़ियों के आने जाने के लिए ये रास्ता बना दिया गया है, ताकि सुगमता से बालू पर गाड़ियाँ चल सकें। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से उस छोर से लेकर और आगे आप जहाँ तक कि आप नज़र दौड़ाएंगे आपको टेंट सिटी कुछ ही दिनों में यहाँ पर बसा हुआ दिखाई देगा। फिलहाल इसकी तैयारी चल रही है। चलिए दोस्तों और आगे की तरफ चलते हैं आपको लेकर। एक टेम्प्रेरी टेंट बना हुआ है, कुछ इससे भी बढ़िया टेंट सिटी बसेगा, अभी फ़िलहाल उसकी तैयारी चल रही है। और सामने आप देख पा रहे हैं चेत सिंह किला, चेत सिंह घाट। देखेंगे तो ट्रैक्टर के माध्यम से उसी रोड पर जिसका निर्माण किया गया लोहे की प्लेट को बिछाकर पूरा सामान टेंट का ये सब जहाँ पर बसना है उस तरफ पहुँचाया जा रहा है। फिलहाल सामने आप देख पा रहे हैं निर्माण स्थल जहाँ पर फाइनल टेंट सिटी को बसाने की तैयारी। ये आप देख रहे हैं लोहे का जो फ्रेम बना था उस पर प्लाई की मोटी सी चादर बिछाकर ये बेस तैयार किया गया है और इसी के ऊपर टेंट को बनाया जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप वीडियो में, ये लोहे का जो फ्रेम बन रहा था जिसे मैंने अगले आपको पिछले वीडियो में दिखाया है कि किस प्रकार टेंट सिटी का सामान का निर्माण कार्य चला था, और वो निर्माण कार्य में ये लोहे का फ्रेम भी था जिसे बालू में बेस देने के लिए तैयार किया गया है। और ये देखेंगे मैं उसी के ऊपर से खड़ा होकर ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार ऊपर से दिखाई दे रहा है, इस फ्रेम के ऊपर से ये दृश्य आपको दिखा रहा हूँ जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। पहले ये बेस तैयार किया जाएगा और उसके बाद इस पर टेंट लगाया जाएगा। और ये दूर आप देख रहे हैं हरिश्चंद्र घाट और अन्य घाट, ये सभी आपको टेंट सिटी से दिखाई देंगे। काफ़ी विहंगम दृश्य, जिस तरफ टेंट सिटी बस रहा है उसके दूसरी तरफ घाट का दृश्य ये देख रहे हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया ये फ्रेम जो बनाया गया था लोहे का, उस फ्रेम को बालू में बिठाकर इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर मोटी सी प्लाई बिछाकर बेस तैयार किया जाएगा और इसी पे आपको टेंट बसाया जाएगा। दूर तक आप देखेंगे तो काफ़ी दूर तक के तीन प्रकार के यहाँ पर टेंट बनाने हैं और तीनों के रेट यहाँ पर अलग होंगे। चलिए एक बार आपको
पूरा दृश्य दिखा देता हूँ। यहाँ के देखेंगे तो ये बाज आपको दिखाई देंगे। चलिए दोस्तों, इसी दृश्य के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महा। ये देखेंगे तो ये दशाश्वमेध घाट के ठीक सामने का दृश्य है। यहाँ भी देखेंगे तो मार्किंग करके और यहाँ भी टेंट सिटी बसाया जाएगा। पहले मैंने जो दिखाया वो था 80 घाट के ठीक सामने में, और ये आपका दशाश्वमेध घाट के ठीक सामने जिसकी तैयारी चल रही है। देख, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं आप, फिलहाल आप देख पा रहे हैं घाट के दूसरी तरफ से सभी घाटों का दृश्य। टेंट सिटी बसने के बाद वहाँ से कुछ इस तरह घाटों का दृश्य दिखाई देगा। ये देख रहे हैं, आ गए हैं दशाश्वमेध घाट के ठीक सामने, और यहाँ भी लोग आते हैं ऊंट गाड़ी और घुड़सवारी का आनंद लेने। देखेंगे घाट के दूसरी तरफ से घाट का दृश्य, एक खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। ये देखेंगे बोर्ड यहाँ पर रेतीले मैदान में, यहाँ पर जहाँ टेंट सिटी बस रहा है वहाँ लगाया गया है। ये दूसरा बोर्ड आप देखेंगे, और इसके इस तरफ देखेंगे तो यहाँ सामने आपको दिखाई देगा दशाश्वमेध घाट, और उसके ठीक सामने में ये सिटी तैयार हो रही है, टेंट सिटी। ये आप देख रहे हैं जिस तरफ टेंट सिटी बसाया जा रहा है उस तरफ से घाट का दृश्य। कमेंट करके बताइएगा आपको ये दृश्य कैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप वीडियो में देख पा रहे हैं तो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो सामने से आप देखेंगे साक्षात तो काफ़ी खूबसूरत दृश्य नज़र आएगा। ये सभी घाट आप देख पा रहे हैं, और दूर आप देखेंगे तो कॉरिडोर भी आपको दिखाई देगा। ये देख पा रहे हैं आप कॉरिडोर, और उसके आगे देखेंगे तो मणिकर्णिका घाट भी आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं कॉरिडोर, ललिता घाट, ये सभी आपको दूसरी तरफ से स्पष्ट दिखाई देगा। जब मौसम साफ रहता है तो काफ़ी क्लियर दिखाई देता है व्यू। सामने देख रहे हैं आप दरभंगा घाट, ब्रिजरामा पैलेस का दृश्य है, और इसके इस तरह देखेंगे तो मुंशी घाट। और ये आप देख रहे हैं राजेंद्र प्रसाद घाट, और जहाँ आपको भीड़ दिखाई दे रही है और काफ़ी सारी छतरियाँ, वो है दशाश्वमेध घाट। काफ़ी खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है नदी के दूसरी तरफ से, जिस तरफ टेंट सिटी इस बार सैलानियों को बस कुछ ही दिनों में मिलने वाला है। ये देखेंगे तो आप दशाश्वमेध घाट के ठीक सामने रेतीले मैदान पर घुड़सवारी का आनंद लेते हुए। Appreciate it.